तो ये नई वाली RX भी भाई सेट पे लग चुकी है और आज से इसका वर्क स्टार्ट है। उसको अभी पूरी बाइक को डिसमेंटल करेंगे हम, वो इसका साफ हो रहा है। फाइनली कंप्लीट है ना। अभी रुक के जो है अपने GoPro की थोड़ी सेटिंग करी थी, क्योंकि पहले जो ना व्यू ठीक नहीं आ रहा था, अब व्यू सही आ रहा है। तो ये नई वाली RX भी भाई सेट पे लग चुकी है और आज से इसका वर्क स्टार्ट है। ये इसकी मतलब हालत तो बहुत ज़्यादा बेकार है जो पहले ली थी, बट ये क्या है कि जो इसके पार्ट्स है वो बेकार नहीं है, उसकी हालत ठीक थी पर उसके पार्ट्स कुछ काम के नहीं थे, मतलब इतने ज़्यादा। तो इसके पार्ट्स कुछ काम के भी हैं और अभी हमने लगा दिया, सारे टूल्स वगैरह ले आए हैं। उसको अभी पूरी बाइक को डिसमेंटल करेंगे हम, जो फुल पूरी बाइक है आगे से पीछे तक पूरी। तो जो इसके ओरिजिनल पार्ट्स आते हैं वो इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो आज डे वन है और तारीख है आज फर्स्ट, एक तारीख है ना आज, हाँ तो आज है 1 अप्रैल। और 1 अप्रैल को हम इसको डिसमेंटल कर रहे हैं। तो एक बार कुछ लुक देख लो इसका, दोनों साइड से बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन में है। तो जो हमने इससे पहले जो बाइक करी थी वो भी यहीं पे खड़ी करके करी थी, तो ये भी अभी फ़िलहाल यहीं पे हो रही है। तो चलो इसको डिसमेंटल करते हैं पूरी बाइक को। डिसमेंटल हो गई थी यहाँ पे ना, अभी जो चेसिस है उसकी सफाई हो रही है, जो उस पर थोड़ी गंदगी लगी होती है, जो रस्ट वगैरह लगा हुआ था वो इससे साफ़ हो रहा है, हो रही है। फाइनली कंप्लीट। तो गाइज आज ग्राइड होने वाली ये अपनी यामा RX 100 और अपनी 135A खड़ी है। तो आज इसको नहीं लेके जाने वाले हैं, उसको आज चलाएंगे क्योंकि ये तो बहुत चला ली है, आज इस वाली को चलाएंगे। चलो मैं मिलता हूँ आपको इसको निकाल के एंड बाइक पे। सो गाइज अभी लेके निकल चुका हूँ मैं और इसमें ना अभी आपकी छोटी सी प्रॉब्लम है। एक वो प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ना कार्बेटर की प्रॉब्लम है, यानी कार्बेटर से ना ऑयल जो है वो लीक हो रहा है, और लीक हो रहा है भाई मतलब थोड़ा सा उसमें एक आध उसकी जो जेट होता है ना, जो ऑयल को एकदम उसमें फ्लोट जो होता है उसको भरते ही और ऑयल को एकदम बंद कर देता है, पेट्रोल को बंद कर देता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये भाई अभी हम राइड कर रहे हैं भाई, ये अभी हम राइड कर रहे हैं RX 100 और आपने 135 तो देख ली थी, अभी हम 100 को राइड कर रहे हैं। तो मैंने ना अभी रुक के जो है अपने GoPro की थोड़ी सेटिंग करी थी, क्योंकि पहले जो ना व्यू ठीक नहीं आ रहा था, अब व्यू सही आ रहा है। पहले वाइड पे लगा हुआ था, अब सुपर व्यू पे मैंने किया है ताकि आपको पूरा एंगल मिल सके। और तो भाई गांव में थोड़ा ऐसे ही हालात होते हैं भाई, थोड़े रोड सही नहीं होते, और ये हमारे इधर का सबसे ख़राब रोड यही है और सबसे आना जाना भी इसी पे पड़ता है। तो कोई नहीं, तो भाई अभी बात करते हैं बाइक के बारे में, आपको कलर कैसा लग रहा है कलर भी बताना, क्योंकि ये पहले ना ब्लैक कलर में थी जब हम इसको लेके आए थे। तो मैं ना अभी स्टार्टिंग में वीडियो आपने शायद देखी होगी, वीडियो लगाई थी मैंने, तो आपने वीडियो देखी होगी। तो अब भाई इसकी जब से और अब की हालत देखो आप कैसी हो रही है, ठीक है, मतलब थोड़ा पैसा तो लगता है बट लेकिन बाइक ऐसी हो जाती है, हाँ देखने लायक, हाँ RX है।
अगर किसी को आरएक्स रिस्टोर करानी हो तो भाई मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में मैं बाइक रिस्टोर करके दे दूंगा। जहाँ लोग आपसे 30-32 हज़ार मांगे ना, मैं उतने लूँगा सिर्फ जितने आपके पार्ट्स लगेंगे और जितनी मैं मेहनत करूँगा सिर्फ। तो भाई बाइक आपके सामने खड़ी हुई है, देखो जो अभी हमने बिल्ड करी है यानी जो अभी रिस्टोर करी है, तो पहले इसकी हालत आपने देखी थी और अभी फ़िलहाल आपने सामने इसके देखो मतलब कैसी कंडीशन है। तो बस इसमें अभी एक कमी है, बस एलॉय नहीं डाले हैं, जो कि अपना भाई सिंबल है भाई, हम हर एक बाइक में एलॉय डाल देते हैं। बाकी अगर आपको स्टॉक रखने तो आप स्टॉक भी रख सकते हो अगर आपके पास आरएक्स है। बाकी भाई शौक शौक की बात है, अपने पसंद की बात है, टेस्ट की बात है, ठीक है। तो हमने जो कलर इस पे मैंने जो चूज़ किया है वो ये वाला एमरल्ड ग्रीन कुछ कलर है। ये शायद स्पार्कल भी है इसमें, इसके अंदर आप देख सकते हो छोटे छोटे स्पार्कल इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे। और जो इसके पैनल है वो भी इसी कलर में है, एंड इंजन पे भी हमने अलग से कलर मारा था, तो इंजन की भी जो कंडीशन वो बहुत ज़्यादा क्लीन है। एंड ऑलमोस्ट बाइक में सारे पार्ट्स नए हैं, जैसे कि फुटरेस्ट है, इंजन पेंट है, टंकी पेंट है, पीछे वाला फुटरेस्ट है, रियर वाले सस्पेंशन है, बैक मडगार्ड है, लाइट है। और ये मेरे को एक किसी एजेंसी से, वो जो बाइक कंपनी होती है उससे मेरे को स्टिकर मिल गया था, तो मैंने ऐसे ही इस पर लगा दिया। और इसमें सीट इसकी न्यू है एंड काफ़ी अच्छा लुक दे रही है ये सब लगने के बाद, एंड बिल्कुल न्यू लग रही है जैसे ये अभी शोरूम से निकल के आई हो। और जैसे इंडिकेटर्स मैंने न्यू डाले हैं एंड हेडलाइट पूरी न्यू है और मीटर सेट पूरा न्यू है, हैंडल बार पूरा न्यू है और बाकी मतलब ऑलमोस्ट पार्ट न्यू है बाइक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी मेरे को कार्बोरेटर की सेटिंग करनी पड़ेगी, वो कोई नहीं, वो भाई तो वो आप कहीं भी करवा सकते हो। कार्बोरेटर सेटिंग मतलब हो जाती है कभी कभी, जैसे कोई स्क्रू इसका मतलब लूज़ हो जाता है, जैसे इसका थ्रॉटल स्क्रू होता है और एयर और फ्यूल मिक्सचर जो स्क्रू होता है वो भी कभी कभी मतलब वो ढीले हो जाते हैं, तो उनको आपको करवाना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा लुक दे रही है ये बाइक, और अभी ये सेल पे है, अगर किसी को चाहिए तो मेरे को वो कांटेक्ट कर सकता है। और अगर किसी को अपनी आरएक्स बनवानी है या फिर रिस्टोर करवानी है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है। मैंने एक न्यू पेज बनाया है एएमजी गैरेजेस के नाम से, और उसका मतलब मैं आपको बाद में बता दूंगा। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी करनी है या फिर अपनी बाइक रिस्टोर करवानी है आरएक्स, तो या फिर चाहिए आपको आरएक्स, मैं अवेलेबल भी करवा दूंगा, तो मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में। जहाँ पे आप कहीं और भी ट्राई कर लेना उससे कम प्राइस में ही दे दूँगा, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भाई इसके बजट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बाकी मेरे को अभी आपको इसको दिखाना था, मोटो ब्लॉग आपने देखा और जैसी इसकी पहले हालत थी, तो जब इसको मैं लेके आया था तो जब भी आपने इसकी हालत देखी और आफ्टर एंड बिफोर वाला लुक तो आपने इसके देख ही लिया, तो कुछ ऐसा है।